हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनावने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल 17। जैसे कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आज के वीडियो से आपको पता चलेगा कि रियल कंपटीशन क्या होता है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं ज्वाइन हो तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे हम बहुत ही बढ़िया कंटेंट, सबसे बेस्ट कंटेंट हम वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे जीएस का, इंग्लिश का हो गया, रीजनिंग, ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से एकदम सिस्टमैटिक वे से यदि आपको पढ़ाई करना है ना, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जाना चाहिए। यदि आपको टॉपर बनना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। और यदि आप टेलीग्राम पे विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेते हो तो भी आपको अपना ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। अभी आते हैं हमारे कंपटीशन के ऊपर। तो भाई 35 लाख लगभग बच्चे हर साल फॉर्म भरते सीजीएल के लिए, मैं अभी सीजीएल की बात कर रहा हूं, सेम ही सिचुएशन हर एक दूसरे एग्जाम की होती है। तो सीजीएल के लिए 35 लाख बच्चे लगभग फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। तो ये 35 लाख का जो नंबर है ना, ये लगभग इसको नहीं क्या अभी भूल जाओ तुम, और इसको याद कब रखना है पता है, जब आपका सिलेक्शन हो जाए ना, तब इस नंबर को लेके आना मार्केट में, तब नहीं कि आपके रिलेटिव्स को बताना कि मेरा सिलेक्शन 35 लाख बच्चों में से हुआ, आपके दोस्तों को बताना, लेकिन अभी बिल्कुल याद नहीं रखना, क्योंकि अभी याद रखोगे ना तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा, किसको बताओगे, सिंपल सी बात है ना। तो देखो 35 लाख बच्चा फॉर्म तो भर रहा है, लेकिन एग्जाम कितना दे रहा है ना। आप जैसे कभी आपने एग्जाम दिया होगा ना, कोई भी सीजीएल का यदि आपने ऑलरेडी दिया होगा, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हो ना, तो बहुत सारे सीट्स खाली होते हैं, बहुत सारे बच्चे तो अब्सेंट है भाई एग्जाम देने के टाइम में। तो लगभग 10 से 12 लाख के बच्चे होते जो एग्जाम देते हैं, यानी यार 35 लाख बच्चा है, उसमें से 10-12 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, बाकी बच्चा तो चला गया, तो कॉम्पिटिशन कहाँ पे है ना। अभी देखो 10-12 लाख बच्चा है जो कि एग्जाम दे रहा है, लेकिन उसमें से बहुत बड़ा भीड़ ऐसा होता है कि जो अलग अलग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, वो सिर्फ सीजीएल पे फोकस होकर प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, वो बहुत अलग अलग एग्जाम पे प्रिपरेशन कर रहा है ना। जैसे कोई स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहा है, या कोई बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और उसने फॉर्म भर दिया था तो एग्जाम आ गया, उसको नोटिफिकेशन आ गया, उसको ईमेल आ गया, तो चलो अभी हमने फॉर्म भरा ही था तो चलो फिर हम एग्जाम देते हैं, ऐसा बहुत बड़ा क्राउड होता है, ठीक है। और आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने 2019 का पेपर दिया होगा, लेकिन आपको पता है आपने इतना 100% प्रिपरेशन नहीं किया था ना, इसी की वजह से आपका टायर वन शायद नहीं क्रैक हो रहा होगा। ये आपको देखो, आपको रियलिटी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रियलिटी से मत भागो, ठीक है। तो देखो 12 लाख बच्चों ने लगभग पेपर दिया, लेकिन वो कॉम्पिटिटर बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 1.5 लाख बच्चा Tier2 के लिए सेलेक्ट हो जाता है, 1.5 लाख बच्चे को Tier2 देने का मौका मिलता है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, वही 1.5 लाख या 1.5 लाख बच्चे जो होते हैं वो Tier2 यानी मेंस का, उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया होता है ना। तो जैसे 130 यदि हम मान लेते हैं, 130 कट ऑफ है, तो 130-150 के बीच में बहुत बड़ा क्राउड होता है, लगभग 1 लाख बच्चा होता है, और अबाउ 150 लगभग 50,000 बच्चे होते हैं। तो जो बीच वाला क्राउड होता है ना 130-150, मैं ये रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में और बढ़ेगा उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ। 130-150 वाला जो बच्चा होता है ना, वो बहुत ही कंफ्यूज होता है, मतलब सबसे कंफ्यूज बंदा यदि आपको सीजीएल के प्रिपरेशन में मिलेगा ना, तो वो 130-150 के बीच वाला बंदा होता है, और उन लोगों का कंफ्यूजन भी मैं अगले वीडियो में क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा, कुछ भी सब उनका कंफ्यूजन में सब निकाल दूंगा अगले वीडियो में। तो ये 130-150 वाला बच्चा यही सोचता है कि मैं Tier1 का प्रिपरेशन करूं नेक्स्ट ईयर का, या मैं अभी का Tier2 का प्रिपरेशन करूं, क्या मैं अभी Tier2 का प्रिपरेशन करूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, ये कंफ्यूजन में ये बच्चे टाइम वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी कॉम्पिटिशन का कभी हिस्सा बनते नहीं है, एक्चुअली इनको प्रिपरेशन करना चाहिए अच्छे से Tier2 का, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो अभी आते हैं, तो 152 ऊपर वाला जो बंदा होता है वो लगभग 50,000 होता है, वो क्या करता है, अच्छे से Tier2 का प्रिपरेशन करता है, ठीक है। और फिर लगभग वो मतलब 1.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, लेकिन एक्चुअल प्रिपरेशन कितना कर रहा है, 50,000 बच्चा कर रहा है, और वही 50,000 बच्चा तुम्हारा Tier3 के लिए क्या होता है, नॉमिनेट होता है, या Tier3 वो दे पाता है। लेकिन वही वहां पे भी
जो ऊपर वाला 10,000 बंदा होता है ना, बच्चा होता है, उसको पता होता है कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन जो बाद वाला जो 30,000 to 40,000 का क्राउड होता है ना, उसको पता चल जाता है भाई हमारा तो कुछ सिलेक्शन होने नहीं वाला है ना। तो बच्चा भी फिर टायर का अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करता, तो ये ऐसी कॉम्पिटिशन कम होता रहता है, कम होता है। और एक्चुअली कॉम्पिटिशन सिर्फ शुरू से लेकर एंड तक 10,000 बच्चों में होती है कॉम्पिटिशन, ये रियलिटी है। कॉम्पिटिशन कभी भी 35 लाख बच्चों में नहीं होती है, कॉम्पिटिशन हमेशा सिर्फ 10,000 बच्चों में होती है, ठीक है। क्योंकि बाकी जो क्राउड होता है ना, वो भीड़ होती है, वो प्रिपरेशन नहीं करती, वो कभी भी अच्छे से सिस्टमैटिक वे से प्रिपरेशन नहीं कर रही होती है, ठीक है। वो सिर्फ बुक्स लाती है, थोड़ा दिन बुक्स देखेंगे पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे, या किसी और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे और एग्जाम का डेट आ गया तो एग्जाम देने के लिए चले गए। तो ये कॉम्पिटिटर्स नहीं है, वही कंपटीशन है तुम्हारा एक्चुअल में, जो बच्चा पूरा एक साल पूरा लगन के साथ पूरा एकदम सिस्टमैटिक वे से पूरा स्मार्ट वे से प्रिपरेशन कर रहा है, वही एक्चुअली कंपटीशन होता है, ठीक है। तो मेरा कहना यही है, मैंने क्या सोचा था, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि 35 लाख बच्चे हैं, इनसे मुझे कॉम्पीट करना है। मैंने सिर्फ एक चीज दिमाग में रखी थी कि मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए, है ना, मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए, मुझे एक सीट के लिए प्रिपरेशन करना है ना, मुझे सिर्फ मेरे बुक्स है, मेरा जो मटेरियल है उसी पे मुझे अच्छे से फोकस रखना है। और मैं यदि उसको मैंने अच्छे से कर लिया, यानी मेरा जो भी बुक्स है, यदि मैंने उससे जो भी है मेरा 4 to 5 times या 6 to 7 times जो भी है, यदि मैंने उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो मेरा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, ये मुझे रियलिटी पता थी। तो इसलिए मैंने कभी भी कॉम्पिटिशन का कुछ भी मैंने दिमाग में नहीं रखा, मैंने सिर्फ यही दिमाग में रखा कि जो मेरे सामने जो बुक्स है मुझे उसको अच्छे से, या जो मेरे पास मटेरियल है मुझे उसको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो मेरा सिलेक्शन 101% होने वाला है, ये मुझे पता था। इसी माइंडसेट के साथ मैं चला गया था, ठीक है। आप लोगों को तो भी, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे दिल्ली में है, दिल्ली में ऑफलाइन क्लास किया है, आप लोगों को ऐसा भीड़ दिखता होगा, लेकिन मैंने महाराष्ट्र में मैंने प्रिपरेशन किया है, तो एक्चुअली मुझे तो कोई यानी गाइडेंस देने के लिए भी नहीं था, लेकिन वो मेरे लिए एक अच्छी बात थी, क्योंकि मैं जैसे जाता था ना मेरे लाइब्रेरी में, तो कोई भी सीजीएल वाला बंदा मुझे कभी भी नहीं मिलता था, मैं अकेला था सीजीएल का प्रिपरेशन करने वाला। तो मेरा ये था कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अकेला हूं ना, तो बस मुझे अकेला पढ़ाई करना है, फिर मुझे पता है मेरा सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप क्या करते हो, भीड़ देखते हो और डर जाते हो, मैं अकेला था तो मुझे डर ही नहीं रहता था। देखो मेरा वैसे आपसे थोड़ा सा मेरा मतलब लेवल कम हो जाता है ना, क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं है, यहाँ पे माहौल नहीं है सीजीएल का प्रिपरेशन का, लेकिन मेरा ये मानना होता है कि किसी भी चीज को लेकर आप यदि पॉजिटिविटी से करते हो ना, तो आपको सक्सेस 101% मिलता है। लेकिन आपको वही सिचुएशन को पॉजिटिविटी से देखना होता है, हर एक चीज में पॉजिटिविटी होती है, लेकिन उसी को उस पॉजिटिविटी से देखो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कॉम्पिटिशन सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ पढ़ाई करते रहो, दिन भर पढ़ो, जितना आपका 100% हो सकता है ना उतना 100% दो, ठीक है ना। सिर्फ 1-2 घंटा पढ़ना ये नहीं, जितना 100% हो सकता है उतना 100% दो। और मंडे से तो अपना पूरा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो मैं तो आपसे पढ़ाई करके लूंगा, क्योंकि मैं आपको पता है मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, मैं पढ़ाई करके लेता हूं, है ना। तो बहुत ही सिस्टमैटिक वे से हम पढ़ाई करेंगे, तो बिल्कुल भी मत डरो, है ना। तो एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, और वीडियो को लाइक करो यार, वीडियो को शेयर करो, और वहां पे कमेंट करो, क्योंकि आपका कमेंट बॉक्स से मुझे पता चलता है कि आपको मेरा मतलब ये जो भी है वीडियो वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप जितना अच्छे से कमेंट वहां पे करोगे, या जितना वीडियो को लाइक ज्यादा आएगा, ज्यादा शेयर होगा, ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तो मेरा पॉजिटिविटी और बढ़ेगा, और मैं आपको और पॉजिटिविटी स्प्रेड करूंगा, तो इसको जरूर कर देना। और मेरा इंस्टा आईडी तो डिफरेंट विशाल ही है, जो मेरा अपना ईमेल अपना सॉरी जो अपना यूट्यूब का चैनल का नाम है वही अपना क्या है इंस्टा आईडी। तो हर संडे शाम 7 बजे मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ, तो आपको वहां पे जरूर मुझसे मिलना चाहिए, और आपके जो भी डाउट्स है वो लाइव वहां पे आके सॉल्व कर लो, वहां पे आप वीडियो कॉल भी मुझको कर सकते हैं लाइव में ही, ठीक है। तो चलो फिर अच्छे से प्रिपरेशन करो, और थैंक यू सो मच।